अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज बात होगी मुख्तलिफ मामलात पर। हमेशा से कोशिश हमारी रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवामी नौइयत के जो मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। बहुत सारे सवालात आपके गुज़िश्ता रोज़ मौसूल हुए और सोशल मीडिया के ज़रिए अब सवालात जो हैं वो ज़्यादा हमें मौसूल होते हैं। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि हर शख्स ये चाहता है कि अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए, ख़ास तौर पर जो इस वक्त मौशी मामलात हैं इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। जो कुछ हो रहा है सियासी सतह के ऊपर वो यकीनन आपके सामने हैं। धरनों की बातें हो रही हैं, एहतजाज की बातें हो रही हैं और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी माजी में ऐसा ही कुछ होता रहा है। हर बार यही सवाल दोहराया जाता है कि ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। ठीक कि ममलिकत एक जमहूरी रियासत है और यहाँ पर सबको इख्तिलाफ राय की आज़ादी, एहतजाज करने की आज़ादी, आवाज़ उठाने की आज़ादी है बज़ाहिर, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम चीज़ों का मकसद क्या है। क्योंकि इससे पहले भी ये जितनी कोशिशें हुई हैं ये महज हुसूल इख्तदार के लिए हुई हैं और इख्तदार हासिल हो जाने के बाद क्या होता है वो भी आवाम के सामने। इसलिए मैं बार बार एक बात दोहराता हूँ कि बहुत सोच समझ कर आपने फैसला करना है। ये सियासी नारे हर दौर में लगते रहे हैं और लगते रहेंगे, ये कल्चर है, एक मिजाज है ये हमारा। और ये जो हमारे लीडरान हैं ये बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि ये जो लोग हैं, आवाम हैं, इनकी क्या कमज़ोरियाँ हैं, इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, इनके जज्बात को किस तरह उभारना है। और अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के ज़रिए काम उनके लिए ज़्यादा आसान हो गया है। पहले जब सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ताकतवर नहीं हुआ करता था तो ये अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाना एक बड़ा मुश्किल काम समझा जाता था। और उस वक्त सूरत हाल ये थी कि लोगों के घर घर जाकर बाकायदा वोट मांगे जाते थे, अपना मंशूर बयान किया जाता था। तो अब वो काम सोशल मीडिया ने आसान कर दिया है। इसलिए हाल ये है कि अभी जैसे अभी इससे पहले जो हुकूमत होकर गई है ऐवान से, क्योंकि ऐवान में तो अभी मौजूद है लेकिन अलामतन वहां से जो है वो जा चुकी है, ये ज्यादातर उम्मीदवार बल्कि जो इस वक्त भी हुक्मरान जमात है, अब समझ लीजिए जो इत्तेहाद एक बना हुआ है, जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, इसमें भी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो अपने हलकों में इलेक्शन जीतने के बाद से नहीं गए हैं। और अगर अपने हलके में जाएं तो वहाँ पे ज़्यादा बेहतर तौर पर उनको अंदाज़ा हो सकेगा कि लोगों के क्या मसाइल हैं। लेकिन मैंने कहा ये रिवायती सियासत है हमारी और इसी तरह ये सियासत चलती आई है। और पहले तो कभी ऐसा हुआ करता था शायद कि इलेक्शन जब करीब आते थे तो ये लोगों में जाया करते थे, मिलना मिलाना किया करते थे, लेकिन अब वो भी रिवायत ख़त्म हो गई है क्योंकि वो काम बड़ा आसान हो गया। वो आपसे जो खैरियत है वो ये जो एक दिखावा होता है मिलने मिलाने का वो सोशल मीडिया के जरिए पूरा हो गया और तासुर ये दिया जाता है अवाम में ना जाने का कि हमें इख्तदार में आने के बाद खतरात बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि तो सीधे साधे लोग हैं पाकिस्तान के और इन्हीं तमाम चीज़ों का फ़ायदा ये तमाम सियासी जमातें जो हैं वो उठा भी रही हैं और उठाती रहेंगी। इसलिए हम बार बार एक चीज़ के ऊपर जोर देते हैं कि शऊर और आगही के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, वरना जिस तरह के नारे ये लगाते हैं, पहली बात तो ये कि मौजब माशरों में अगर ये होते, क्योंकि वहाँ तो इनका काम नहीं है, लेकिन अगर ये मौजब माशरों के अंदर होते और अगर इस तरह की बातें अगर ये करते और अपनी कारकर्दगी ना होने के बावजूद आवाम में जाकर अगर वोट मांगने की कोशिश करते तो उनको यहाँ से पकड़ लिया जाता। हमारे यहाँ लोग जैसे मैंने कहा कि सीधे साधे हैं, इनको बेवकूफ़ बनाया गया, इख्तदार भी हासिल किया गया, मुख्तलिफ हलकों से कामयाब भी हुए, लेकिन आवाम में जाना तो दूर की बात, आवाम के किसी मसले को हल करना तो दरकिनार, असम्बली के अंदर खड़े होके कभी झूठे मुंह उन मसाइल के बारे में तस्करा भी नहीं किया। और अब बात चल निकली है जनाब धरनों की तरफ, हकीकी आज़ादी की तरफ। तो हमें इस वक्त
पहले से ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ, ख़ास तौर पे नौजवानों से, अपने जहन से काम लें, तहकीक करें, किसी भी हवाले से जो ख़बर आप तक पहुँचाई जाती है, ये बातें जो आपसे की जाती हैं, आपके जज्बात को जो उभारा जाता है, मजबूर किया जाता है कि आप सड़कों तक आएं और एहतजाज बुलंद करें और इनको इक्तदार की जो कुर्सी है, मनसब है, उस तक पहुंचा दें, ये इनकी तमाम तर कोशिशें इसमें सर्फ होती हैं। लेकिन आप यकीन करें कि आप इनकी जायज़ा ले लें, ये हुकूमत हो, इससे पहले हुकूमत हो या उससे पहले हुकूमत हो, ये हुकूमतें करके जाने के बाद कितने मसाइल हल हो सके और आपके मेयार ज़िंदगी पे कितना इसका फ़र्क पड़ा, आप ज़रा एक तसव्वुर कीजिए कि इनके आने से पहले आप क्या थे और इनके आने के बाद आप क्या हैं। मैं अगले दिन देख रहा था, बड़ा मुझे ताज्जुब होता है, बड़ा मैं हैरान होता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हो रही थी, साबिक वजीर आजम फरमा रहे थे कि हमारे दौर में बेरोजगारी कम हुई है। अब ये उनसे कोई पूछे कि ये आदादो शुमार किसने आपको बताए, ये दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए हैं, अगर इन्हीं की बातों पर आप सुनकर, जैसे कि जब आप इख्तदार में थे तो यही वो लोग थे दाएं बाएं जो आपको इस किस्म की बातें बताते थे, हकीकत क्या है, किसी भी फोरम पर आकर बैठ जाएं जहां सवालों जवाब करने की आज़ादी हो, आपके पास यकीन कीजिए कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, ये सरासर झूठ है। और इस तरह न जाने कितने बयान रोजाना की बुनियाद पर दिए जाते हैं जो झूठ पर मबनी होते हैं, इसके दिफा के लिए भी तैयार नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर भी इवन जब ये सवाल किया जाता है कि कारकर्दगी के बारे में बताइए, जिस मनसब पर आपको फाइज किया गया, जो होता आपको दिलवाया गया, उस पे रहते हुए आपने क्या किया, सिर्फ जबानी जमा खर्च। और यहां तो बात इससे भी ज्यादा आगे निकल गई थी, 4 साल की कारकर्दगी का अगर आप जायजा लें तो आपको पीछे सिवाय इल्जामात के और चोर चोर के कोई चीज नजर नहीं आएगी। इन तमाम बातों का मकसद कतई ये नहीं है कि किसी एक पार्टी को सपोर्ट करना, किसी को तनकीद का निशाना बनाना, सवाल ये है कि इससे पहले भी जो लोग थे उनसे भी ये सवाल होते रहे हैं, उनके पास भी इन सवालों के कोई जवाब नहीं थे। लेकिन ये जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है, इसमें अलमिया ये है कि अपनी जितनी भी नाकामियां हैं इनको छुपाने के लिए बयानियां ये इख्तियार किया जा रहा है कि कोई बैरूनी साजिश हुई है। माशाल्लाह, जिस मुल्क में 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चा स्कूल से बाहर हो और वहां पे हुक्मरान बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हों, हेलीकॉप्टरों का बेदरेग इस्तेमाल करते हों, वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करते हों, बेरोजगारी मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा हो, महंगाई अपने उरूज पर हो, लोग खुदकुशियां कर रहे हों, जहां पर खाना जंगी की इसी एक सूरत हाल हो, अमनो अमान की सूरत हाल खराब हो, जितने आपके मातहत इदारे हैं उनकी रिपोर्ट मंगवा के एक दफा पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिए, आजकल तो फारिग हैं, थोड़ा सा बैठ के पढ़ लीजिए कि क्या होता रहा है, बदतरीन करप्शन हुई हो, जिसके लिए दावा यह किया गया था कि करप्शन को खत्म किया जाएगा, ये हमारी अपनी बात नहीं है, आलमी इदारे रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, उनके ऊपर जरा नजर दौड़ाइए कि मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया करप्शन के अंदर। ये सारी वो चीजें हैं जो पूरे दुनिया का जरा अबलाग लिख रहा है, हमारे वाले तो आप कुछ और समझते हैं, शायद इस वक्त भी ये जो बातें हो रही हैं तासुर ये होगा कि शायद किसी पार्टी की हिमायत में सारी बातें की जा रही हैं। माशाल्लाह, अगर आपकी कारकर्दगी के हवाले से सवाल उठाना अगर किसी और जमात की हिमायत में शामिल होता है तो ये बताइए कि जो माजी में उनके ऊपर जो तनकीद होती थी, जिसके ऊपर आप रोजाना तालियां पीटा करते थे कि सब कुछ मीडिया की वजह से हुआ है, अगर मीडिया आजाद नहीं होता तो उनसे सवाल कौन करता, यही बातें आप दोहराया करते थे। आज अपने बयान से ही अक्सर जो है वो आप
मुकर चुके हैं, इन सारे सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। तो नौजवानों से खास तौर पे मैं गुजारिश करता हूं कि इनसे सवाल जरूर करें, इनसे वादा जरूर लें, और जितने पुरअज़्म इस वक्त हैं ऐसे ही रहिए। जब इनके पास दोबारा इख्तदार आए तो या वादा कीजिए कि आपने, अगर इन्होंने यही इनकी कारकर्दगी रही तो आप इनको गिरेबान से पकड़ के जो है वो नीचे उतारेंगे भी कुर्सियों से। हिम्मत कीजिए, हौसला कीजिए, और इन तमाम सियासी रहनुमाओं की जो अंधी तकलीद आप कर रहे हैं इसको खुदारा छोड़ दीजिए, ये पूरे कौम के लिए तबाही लेकर आई है। इस वक्त जिस हम हाल तक पहुंच चुके हैं इसकी बड़ी वजह यही है कि हमने अंधी तकलीद इसकी की है। इनकी कही भी सारी बातों को हम मान लेते हैं, तो इसके बारे में जरूर सोचिए। खुदारा नौजवानों से ही खास तौर पे गुजारिश है, मुश्किल बातें हैं, इसको सुनने का हौसला पैदा कीजिए। ये जो तरबियत आपकी कर रहे हैं ये आपको तबाही की तरफ लेकर जाएगी, और ना यहां आपको कोई इसका सिला मिलेगा ना वहां आपको कोई सिला मिलेगा। और अगर यही तरबियत रही तो अगर कभी आपको मौका मिला कहीं और जाकर मुल्क से बाहर काम करने का, तो शायद आप वहां पर एडजस्ट नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ये चीज तरबियत में ही शामिल नहीं है, मिजाज में शामिल नहीं है। तो इसलिए बार बार ये गुजारिश की जाती है कि खुदारा इन लोगों को पहचाने, इनसे सवाल करें, पूछें। ये जो लोग अभी चंद एक हैं जो अपने वापस हलकों में नजर आ रहे हैं, फेसबुक के जरिए तस्वीरें लगा रहे हैं, सब दिखावा है, बहुत थोड़े ऐसे लोग हैं जो अपने हलकों में जा सकते हैं, इस काबिल हैं, किया उन्होंने भी कुछ नहीं है, लेकिन बहुत थोड़े ऐसे लोग हैं। अवाम के हकीकी मसाइल हैं, बिलखसूस शहर कराची की अगर बात की जाए, सतही मसाइल जा बजा आपको नजर आएंगी, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की लाइनें फटी हुई हैं, सीवरेज की लाइनें फटी हुई हैं, वो सीधा लाइन है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बल्कि मैं एक जगह से गुजर रहा था, ये यूनिवर्सिटी रोड के करीब, ये साबिक वजीर आजम का हलका था जहां से वो इलेक्शन जीत कर वजीर आजम मुंतखब हुए थे। वहां के हलके के लोग जरा जवाब दें कि आखिरी दफा कब उन्होंने अपने वजीर आजम को इस हलके में देखा था। ये बड़ी तल्ख बातें हैं, सवाल आपने करना है और जरूर करना है, और वोट देने से पहले खुदारा 100 दफा नहीं 1000 दफा आपने सोचना है कि अगर ये खुदा ना करे, खुदा ना करे अगर ये गलती आपने दोहरा दी और दोबारा इनको मुंतखब करके आपने ऐवानों तक पहुंचा दिया, तो फिर नताइज इससे भी ज्यादा भयानक साबित होंगे। मौला फरमाते हैं कि मोमिन कभी भी एक सुराख से 2 दफा जो है वो नहीं उसको डसा जा सकता, या एक जगह से अगर वो धोखा खा ले तो दूसरी दफा वहां से धोखा नहीं खा सकता, ये उसकी पहचान नहीं है। तो इस चीज के ऊपर गौर कीजिए। सबसे ज्यादा जरूरत है जो सियासी मुआजराई हो रही है इससे खुदारा खुद को भी महफूज रखें और अपने मुल्क को भी बचाएं। इस वक्त हम किसी भी किस्म की महाजराई के मुतामिल नहीं हो सकते, सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक आम आदमी के मसाइल ना पहले कभी हल हुए थे ना आगे कभी हल होते नजर आ रहे हैं। पहले तो बात कभी हुआ करती थी 2 वक्त की रोटी की, 1 वक्त की रोटी इतने सारे खानदान ऐसे हैं जिनको अभी नसीब नहीं हो रही, उनके बारे में भी आपने सोचना है। ये सारे हालात पैदा करने वाले आप यकीन कीजिए कि कोई और नहीं है, ये आपको बार बार ये बात दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे कि ये बाहर से किसी ने साजिश कर दी है, कोई बैठ कर उन्होंने यहाँ पर कर दिया। जिन ममालिक का ये नाम लेते हैं आप एक दफ़ा ज़रा जाकर देखें, अगर ज़िंदगी कभी मौका दे आपको, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये आपसे झूठ बोलते आए हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते आए हैं। दुनिया में तमाम अकवाम में सबकी कोशिश ये होती है कि अपने लोगों को उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाए, उनके लिए आसानियां पैदा करें। गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में बात हो रही थी कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से, आप यकीन कीजिए 1000 नहीं 10000 सवालात मौसूल हुए हैं
कि हमें किसी तरह यहां से कनाडा मुंतकिल करवाइए। क्यों जाना चाहते हैं भाई? बेहतर जिंदगी की तलाश में। और वो जो वहां पर बैठे हुए हैं, जिनका ये बार बार हवाला देते हैं कि वो हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे भी हम राबते में रहते हैं। आइए पाकिस्तान, खिदमत कीजिए पाकिस्तान की, यहां रहिए। तो जवाब मिलता है, जी हम यहां पर आ नहीं सकते, यहाँ पे मयार जिंदगी उस तरह का नहीं है जिस तरह का हम चाहते हैं, बुनियादी जो सहूलियात हैं वो यहाँ पर मैसर नहीं है, बच्चों का मुस्तकबिल महफूज नहीं है, इसलिए हम वहीं ठीक हैं लेकिन पाकिस्तान की याद में तड़प रहे। बड़ी अजीब बात है, समझ से मैं बाहर हूं, किस किस्म की मोहब्बत है ये? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अपने माँ बाप को किसी ओल्ड एज हाउस में रखवा कर इंसान चला जाए और जब उसको कहे कि आपके माँ बाप की आपको ज़रूरत है, वो कहे जी हम पैसे भेजते रहेंगे उनके लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये आपके ओवरसीज पाकिस्तान तल्ख बात है, यकीनन तल्ख बात है, लेकिन ये हकीकत है। तो खुदा रा ज़रा सोचिए, किसी भी किस्म की मुहाज़राई से बचने की कोशिश करें। अपने बारे में अगर सोचेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा और लामहला ये आपके मुल्क के लिए भी बेहतर है। आप इनकी साजिशों का कम से कम हिस्सा ना बने। कोई भी सियासी जमात हो, किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, कोई भी सियासी जमात हो, सबका तरीका है वारदात एक जैसा है, सब अपने मफादात की जंग लड़ाएं। आप अपने हलके के एमएनए को देखना है कि वो किस तरह जिंदगी गुजार रहा है। एक दफा टिकट कटवा के इस्लामाबाद चले जाएं, पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर जाएंगे, पहले तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। उस इलाके के 500 मीटर अंदर हुदूद में आप दाखिल नहीं हो सकते जिसको आप मुंतखब करके भेजते हैं, और अगर किसी ना किसी तरह आप वहां तक पहुंच जाएंगे, आप यकीन माने कि आपका एतबार उड़ जाएगा कि हमने इनको वोट दिया, ये हमारे मसाइल हल करेंगे। ये मैं आपसे, तो जनाब बार बार ये गुजारिश की जा रही है, किसी भी किस्म की मुहाज़राई से बचिए। इनके इकतदार से, इनकी वजारतों से, इनकी तमाम चीजों से, इनके प्रोटोकॉल से सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपकी जिंदगी है, वो आपके अपने लिए, आपके घर वालों के लिए है। ये आपको बड़ी घसीटने की कोशिश करेंगे। और याद रहे, मकसद सिर्फ यही है, इकतदार का हुसूल। ये हवाई जहाजों के फ्री टिकट, ये हेलीकॉप्टरों के मुफ्त चक्कर, ये हार्ट के चेकअप के लिए लंदन जाना, ये सारी चीजें उसके लिए है। और सारे इसके अंदर शामिल है, किसी भी पार्टी का आप नाम ले लीजिए। तो खुदा रहा इन तमाम चीजों का सोचिए, अब सोचने का वक्त है, मुहासराई से बचने का वक्त है। ये जो बयानिए कायम किए जा रहे हैं, इदारों को निशाना बनाया जा रहा है, और ख़ास तौर पर जो सबसे हमारा अहम इदारा है, इस मुल्क की दिफा का ज़ामिन है, ये तो इस बारे में आपको नहीं बताएंगे, मीडिया पे भी शायद इतनी खबरें नहीं चलती। रोजाना की बुनियाद पर बॉर्डर पे खड़े हुए सिपाही अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, वो किसके लिए है? कि बच्चे उनके यतीम हो रहे, सारी चीजें अपनी कुर्बान कर दी वतन के लिए, उनको बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर, ये भी बड़े मुनज्जम तरीके से उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बहुत छोटा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अफवाज पाकिस्तान के आला अफसरों के खिलाफ जिस किस्म की बातें हो रही हैं, ये कर रहे हैं, इंतहाई मोहलिक साबित होगा इस मुल्क के लिए। इसके लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, जो ये काम हो रहे हैं इससे कैसे बचना है ये जरा सोचिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाहर से कोई साजिश कर रहा हो और फौज के खिलाफ इनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हो और ये उसका आलाकार बन रहे हो? नादानी में ही सही है, लेकिन कितनी खतरनाक गलती ये हो रही है।
कि अपनी ही फौज को जो दिफा की जामिन है, सरहदों पे खड़े होकर इस मुल्क का तहफ़ कर रही है। इंसान के पास सबसे कीमती उसकी जान होती है, वो जान मुल्क के ऊपर कुर्बान कर रहे हैं, उनके लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, मकसद क्या है? इक्तिदार का हुसूल। सोचें जरा इसके बारे में, संजीदगी से सोचें। ये बयानियां हर दौर में कायम होते रहे। बहुत छोटी सी हमारी तारीख है, ज्यादा पुरानी नहीं है इसका। अगर आप मुताला करेंगे आपको पता चलेगा कि किस तरह के सियासी हरबे इस्तेमाल किए गए हैं इख्तदार में आने के लिए, MNA MPS बनने के लिए। कोई नई बात नहीं है, लेकिन खतरात इस वक्त पहले से ज्यादा हैं। हर आने वाले वक्त के साथ खतरात में इजाफा हो रहा है, और इनका सियासी फार्म देखिए कि उन खतरात को हुसूल इख्तदार के लिए हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल जी, ये वो बातें हैं जो करना ज़रूरी है, आपको आगाह करना ज़रूरी है, सोचने पे मजबूर करना होगा बच्चों को, ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया के ज़रिए जिनको गुमराह किया जा रहा है, इसके बारे में ज़रूर सोचिए। एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद आएंगे वापस, मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी गुफ्तगू होगी। देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। ब्रेक पे जाने से पहले प्रोग्राम की इब्तिदा में बात हुई कुछ मसाइल के हवाले से, अवामी मसाइल के हवाले से। सियासियात अवामी मसला है, इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है, और बातें यकीनन तल्ख हैं, लेकिन ना चाहते हुए करनी पड़ती हैं। आवाम को आगाह करना ज़रूरी है, ये खतरात हैं, और यही वो खतरात हैं जिनके बारे में बार बार आगाह किया जाता है कि इससे बचने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा वक्त ले लिया है, मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए हैं, उनको मैं सबसे पहले खुश आमदेद कहूँगा। उनसे गुफ्तगू आज जारी रहेगी इसी मौजू पे, ख़ास तौर पे नौजवानों के मसाइल के हवाले से। हमारे जो मौजूद मेहमान हैं, खालिद नूर खान साहब हैं, मरकज़ी सदर हैं ANI पाकिस्तान की, और नौजवानों की तंजीम है। नौजवानों के हवाले से जैसे भी बात हो रही थी, जहन साजी पर काम करना है। खालिद नूर खान को खुश आमदीद कहूँगा। खालिद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। यासिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल के 21 का भी, जो मुझे मधु किया जी। अच्छा जी जी, मैं आपकी दौरान प्रोग्राम गुफ्तगू सुन रहा था जी जी। ये मैं दिल से कह रहा हूँ कि एक तल्ख हकीकत जरूर है, कोई बात गलत तो नहीं है इसमें, कहीं तजावज तो नहीं किया मैंने, कहीं ऐसा लगाओ कि नहीं ये ज्यादा थोड़ी सी बात हो। इंसान को जब सदमा होता है तो तल्ख हकीकत बयान करते हुए बातें हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कि ये जो 2 महीने से पाकिस्तान में जो बहरान चल रहा है, रमजान और मुबारक में जो उरूज पर पहुंचा, हमने ये सोचा कि ऐसा 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 वक्त के साथ साथ बेहतरी की तरफ चले जाएगा और मामला बेहतर हो जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम किस कदर ख़राब हो रहा है जी। यहाँ पर अगरचे इख्तलाफात सियासी एक दूसरे का हक है, होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही, आपने सही कहा, तनकीद बराए इस्लाह मौजिब माशरों की निशानी है, मौजिब माशरों की निशानी है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ANI पाकिस्तान, जो आपने अभी कहा कि अंजुमन नौजवान इस्लाम पाकिस्तान की पॉलिसी भी नौजवानों को मुखातिब करना, आजकल सोशल मीडिया का वक्त है। पहले तो जब इलेक्शन का सिलसिला होता था, लोग गलियों में आते थे, दावतें होती थी, ये होते थे कि आप हमको वोट दें, हम आपके मसले हल करेंगे। अब बदकिस्मती से सोशल मीडिया के बड़े अच्छे अच्छे फवायद हैं, लेकिन अब ये है कि MNA MPA किसी भी पार्टी का हो, वो तो अवाम को तो लावारिस छोड़ देते हैं इलेक्शन के दिनों में। अब गाँव देहातों में किसी का इंतकाल फौतगी में तो आ जाते हैं, लेकिन आमतौर पर बड़े शहरों में, खास तौर पे हमारे कराची तो काफी सालों से मादरत के साथ कोई इसका वली वारिस ही नहीं है। यहाँ पर अभी जो बहरान आया उसके बाद के इलेक्ट्रिक बेलगाम घोड़ा हो गया, 12-12 15-15 घंटे लाइटिंग लोड शेडिंग हो रही है कच्ची आबादियों में,
और जो पोश इलाके हैं जहाँ पर 100% रिकवरी भी है, वहाँ भी रमजानों में के दिनों में और ईद के बाद भी लोड शेडिंग होती रही। अगरचे अब कुछ दिनों से 2-4-5 रोज से बेहतरी हुई है, लेकिन यकीन माने यासिर भाई के अवर बिलिंग कोई पूछने वाला नहीं। पानी टैंकर माफिया के आवाज़ बड़ी मौसर शुरू हो गई थी और सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन ये बहरान की वजह से सब मामला एक तरफ हो गए। कराची में पानी भी नहीं है, आप सुबह ऑफिस जाएंगे तो पहले पानी घर पे जमा कर गए जाएंगे, और फिर उसके बाद माश की फिक्र, रोटी की फिक्र, बिल्कुल सही। डॉलर कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, 200 रुपए ऊपर चले गया, कर्जे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ओपोजिशन हो या हुकूमत हो, किसी को मादरत के साथ अवाम की कोई ख्याल नहीं है। एक दूसरे को नीचे ऊपर दिखाना, ऐसा ही इक्तदार में आना, इक्तदार से जाना। और बदकिस्मती की बात है कि जिस इदारे की वजह से अल्लाह के बाद हमारे इदारे माफी थे मुल्क के, तो उसको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान की दिफाई के लिए और अंदरूनी व बैरूनी साजिशों को खात्मे के लिए हर वक्त एक्टिव होती है। ये नहीं कि इदारे गाफिल हैं, इदारे सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो मेरी नाकिस राय है। लेकिन ये कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कभी रोड्स बने गवर्नमेंट की सतह पर भी और सियासी सतह पर भी, उनको भी ख्याल नहीं है। बिल्कुल ऐसे, अगर वो अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम की फिक्र है, बिल्कुल है, तो लेकिन ये कि ये क्या कर रहे हैं, नुकसान बिलाखिर अवाम का ही है। ऐसा ही है, इलेक्शन होगा, होना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप अवाम के मसाइल हल करें तो तभी आइंदा आपको मौके मिलेंगे। पहले आपका एक दौर था, आप कहते थे कि आपके पास अक्सियत नहीं है, चले मान लेते हैं, काम नहीं हुए, काम हुए, आपकी बात मान लेते हैं। फिर ये भाई तो जो अब हुकूमत है, उन्होंने इस तरह की प्लानिंग करी कि लोगों ने कोताहियां सब भूल गए जी, और हुकूमत और मामला, तो अब ये है कि इस तरह नहीं चलेगा मुल्क जी, मुदाखलत करनी पड़ेगी। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ख्वा इदारे हों, ख्वा अवाम हों, माशरे का कोई भी तबका हो, सबको आगे आना पड़ेगा। सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं जी, कि ट्वीट कर लिया, ये कर लिया, ट्वीट करना बहुत आसान है, एसी के कमरों में बैठ के बातें करना आसान, ग्रास रूट पर आए ना, बिल्कुल ऐसा ही, बस में एक आम आदमी, उसके बाद किराया नहीं है जी। या सिर्फ भाई यकीन माने कि मैं एक दरमियान इलाके में रहता हूँ, फेडरल एरिया में, वहां पर इस कदर लोग परेशान है माशी तौर पे कि कर्जा जो देने को कोई तैयार नहीं है जी, कि क्योंकि किसी का पैसा ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, जो कुछ सालों पहले ज़कात तकसीम करते थे, इस रमजानों में ज़कात का मुतालबा कर रहे थे कि राशन आप हमारे को सफ़ेद पोशी में खामोशी से पहुँचाएं। हमारे पास कोई इतने ज़राए नहीं है, हम भी मुखिया हज़रात के ताउन से, तो इस रमज़ान में ऐसी कैफियत थी, हालांकि 2 साल कोरोना रहा, कोरोना के बावजूद भी इस साल रमजानों में कोई मार्केटों में रश नहीं, फुकदान ही फुकदान। आज आप देख लें पूरे शहर में और पूरे मुल्क में जी, माशी सूरत इतनी खतरनाक तबाही की तरफ है कि खुदा ना खासा, और बहुत से तबसरा करने वाले, मैं तो कहता हूँ ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए, कहते हैं कि श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा जी, खुदा का खौफ करें, श्रीलंका का जैसा हाल कभी पाकिस्तान का नहीं होगा। पाकिस्तान को अल्लाह तबारक ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में कायम दायम किया था, बेशक पाकिस्तान को शुरू से लोगों ने लूटा, लेकिन पाकिस्तान आज भी कायम है और दायम रहेगा। लेकिन ये है कि खुदारा आप इक्तदार में ज़रूर आएँ, हमारी भी दुआएँ, लेकिन मुल्क के लिए सोचें, पहले मुल्क है तो हमें आप हैं, तो ये तरीक़ाकार मुनासिब नहीं है। और मैं आपके तवसुत से ज़रूर पूरे पाकिस्तान को बिलखसूस कराची के शहरियों से, क्योंकि आपका चैनल कराची में बड़ा मकबूल है, पूरे पाकिस्तान में मकबूल है, लेकिन कराची में ये ज़्यादा देखा जाता है, तो मैं ये अपने शहरियों से, अपनी माओ बहनों से इल्तिजा करूँगा कि खुदारा होश के नाखून लें, अपनी तरफ चारों तरफ निगाहें रखें, जिन्होंने काम किए आप उनको ज़रूर वोट दें,
जिन्होंने कोताही करी है आप उनसे पूछगछ करें, उसके बाद आप वोट दें, आप कहा गए। लेकिन इस शहर को यासिर भाई 14-15 साल से किसी ने कुछ नहीं दिया। नहीं, 14-15 साल तो आप बड़े से काम ले रहे हैं, यहाँ तो कई साल इससे ज़्यादा गुजर चुके हैं। 14 साल ये हुकूमत पे, जो यहाँ पे सूबाई हुकूमत है, माशाल्लाह बड़ी मेहनत और तंगदही के साथ, तगुदौ के साथ, दिन रात मेहनत करके इस शहर को इस हाल तक पहुँचाया है कि अब इसमें और किसी गांव में ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं बिल्कुल बिल्कुल आता। मैं आपकी बात से तो ये बड़ी मेहनत है, ये तो क्रेडिट खैर उनको जाता है, मैं हमेशा उनको इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ। दूसरी ये कि ये कराची के जो लोग हैं, वैसे तो पूरे पाकिस्तान के लोग एक बराबर हैं, मैं हमेशा ये बात बिल्कुल कहता हूँ। जो पहले एक तफरीक की जाती थी ना, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ के ज़्यादा पढ़े, ये बिल्कुल गलत बात है, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ और मैं ये साबित कर सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लोग एक बराबर हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं बिल्कुल। है। लेकिन ये जो कुछ हुआ अभी, जिसका मैंने बड़ी लंबी एक तमहीद बांधी इब्तदाइया में, कि यहाँ पर आए, वोट लिए, मैं लोगों के पास गया, चंद एक लोग ज़्यादा तो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके पास जब मैं गया, जब मैंने उनके ख्यालात का जानने की कोशिश की, उन्होंने बड़े भरोसे के साथ वोट दिया था। उन्होंने कहा था बड़ी देर के बाद एक ऐसा, वो एक उम्मीद सी पैदा हुई थी कि शायद 100% तो यकीन नहीं था, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद ज़रूर जागी थी कि शायद कोई ऐसा है जो मसाइल को हल करेगा। आप यकीन करें कि अब जब उन लोगों से बात होती है, कहते हैं इन्होंने उनसे ज़्यादा मायूस किया जो पहले से यहाँ पर मुसल्लत थे। वो तो कभी किसी बहाने से कहीं नज़र आ जाया करते थे, उनके पास जाके चंदे काम अगर करवाने हो तो वो शायद कर भी दिया करते थे, लेकिन ये हमें साबिक वज़ीर आज़म की बात करता हूँ, उनका हल्का है, ये गुलशन का इलाका है, शहर कराची के बीचों बीच यहाँ से वो मुंतखब होकर गए थे। यहाँ के हल्के के लोगों से मैंने जब सवाल किया था कि आखिरी दफ़ा कब देखा था, उन्होंने कहा जब कुल 4 साल के अरसे में, जब उनका वक्त जिसको दौरानिया है, जो यहाँ उन्होंने क़याम किया, अगर उसको कैलकुलेट किया जाए 7 या 7.5 घंटे कुछ ऐसा निकलता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक संजीदा थे मामलात को हल करने के लिए। ये भी आपकी तलख हकीकत है कि बदकिस्मती से जो प्राइम मिनिस्टर साबिक थे इमरान खान साहब, उन्होंने अपने दौरे इकतदार में वाकई कराची में आए नहीं, ना दौरा किया, ना एक रात भी नहीं गुजारी, एक रात भी नहीं गुजारी, ये हकीकत बात है। क्योंकि मैं डिफेंड नहीं करूंगा, आप जो मौसर सवालात कर रहे हैं उसका मौसर जवाब और सच्चाई के साथ देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो एक रात भी गुजारी नहीं, और बिल्कुल आवाम ने, क्योंकि पहले आपको मालूम है कराची के क्या हालात थे, बड़े सदमे में गुजारे, बड़े परेशानियों में गुजारे, तो उन्होंने कहा कि एक च्वाइस आ गई है, हम करते हैं। लेकिन वो च्वाइस कराची की शहरी पर पूरी नहीं उतरी जी। वैसे ही कराची की शहरी तो ये मौजूदा सिंध हुकूमत से तो कई सालों से तंग है, कि इन्होंने भी रही कई कसर तबाही। वो तो ये कहते हैं कि ना इनसे कभी उम्मीद थी, ना है, ना है और ना आगे कभी रखी है, बिल्कुल, तो उनसे तो गिला नहीं है। गिला अगर लोग आप यहाँ पे पूछें जो हमारे पास आते हैं, हम उनसे प्रोग्राम में बात करते हैं, तो उनसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ना पहले उम्मीद थी ना अब है। वो तो एक तरीका कार है जो आपने सियासी निज़ाम वज़ा किया है, उसके ज़रिए वो मुंतखब होकर आ रहे हैं, वो आते रहेंगे, लेकिन उम्मीद पे बहरहाल ना पहले कभी थी ना अब है और ना आगे होगी। बहरहाल ये मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ कि PTI के MNA MPS ने कोई काम नहीं किया, हमारे इलाकों में MPA नजर ही नहीं आया आज तक, मैं हल्फिया बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। जिस हल्के में 126 का हल्का था, वहाँ पर तो MPS आए तो कभी नजर ही नहीं आए, ईद मिलने तो आए होंगे, नजर ही नहीं आए। मैंने तो एक खुद एक समाजी वर्कर हूँ और एक मेरे से यकीन माने अब्बा जाफरी, वो कभी नजर ही नहीं आए ईद मिलने के। मैं हल्फिया बात कर रहा हूँ, उस हल्के में रहते भी थे या कहीं और के थे? बस उसी हल्के में तो पहले तो कहते रहे, रहते थे, लेकिन बस बाद में नायाब हो गए, सुना के भी इख्तलाफात हो गए पार्टी में, उनके कोई मामला हो गए तो। लेकिन ये तो बड़ी बदकिस्मती है, और यकीन माने एक बड़े पाकिस्तान में बहुत अरबोंपति टैक्स देने वाले, वो भी उनको भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर एक आपके एंकर बड़े मशहूर थे, उनको भी ये बड़ी बदकिस्मती है कराची की, मैं नाम नहीं लूँगा, वो भी माशाल्लाह बड़े पॉपुलर हो गए थे, फिर पता नहीं क्या उनके मामलात हुए। वो एक उन्होंने रोड बनाई थी, वो ऐसी तबाही भी अभी भी तक आप जाएंगे देखें अभी भी वो ख़राब है। और सैवरेज के निज़ाम देखें, आज ये कराची में जो धरने वरने शुरू हुए, वहाँ ट्रैफिक वालों ने कुछ ब्लॉकिंग वगैरह करी है, तो वैसे ही वो जेल चोरगी का पूरा रास्ता सैवरेज में डूबा हुआ है,
उस तरह आवाम को था ही यकीन माने, बस कराची ने बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा, लगी लिपटी नहीं है मेरे को अपनी कब्र में जाना है। ये बिल्कुल सही बात है कि कराची में तो ना MNA ना MPS ने कोई काम किया ना दिखाया। ईमानदारी है ठीक है, आपको मुबारक हो, दयादारी आपको मुबारक हो, देखिए कुछ आवाम के लिए भी तो सोचे। ईमानदारी किस काम की है मुझे एक बात बताइए, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, चल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, मेरी ईमानदारी से क्या मेरे इलाके के मसाइल हल हो सकते हैं? हाँ जाहिर सी बात है कि जब आप इज्जत दो इज्जत लो, जब आप किसी चोर को भी बार बार चोर कहेंगे उसको कुछ करना होगा बा इख्तियार वही है, तो वो आपसे बिल्कुल बदल हो जाएगा, नुकसान आवाम का ही है। MNA यहाँ के थे, कह रहा 18वीं तरमीम सिंध गवर्नमेंट से इन्होंने बना के नहीं रखी, ये तरह हकीकत है। देखिए मैं किस तरह दिफा कर सकता हूँ, तो सिंध गवर्नमेंट ने इनके पर उठाला, इन्होंने उनके पर डाला, और जो हमारे अपने लोग थे वो तो बिल्कुल बेबस थे, 3.5-4 साल उनके साथ थे, फिर दोबारा पलटा इधर मारा, तो ये तो बस ये और आगे भी मारेंगे। कराची के लिए बस बदकिस्मती है, मेरी दुआएं आपके चैनल के तवज्जो से पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी हो, खासतौर पर कराची। और आपकी वजह को बड़ी अच्छी बात लगी आपने जो कहा कि पाकिस्तान के तमाम शहरी बराबर हैं, बिल्कुल बराबर, और सब मोहब्बत है सबकी साझी, ये बड़ी अच्छी बात है। ये आपका जो मैसेज, क्योंकि आप जाहिर सी बात है हर इंसान का अल्लाह ने कौम बनाई है, आप कराची के मुकामी हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी सोच है, और आप भी नौजवान हैं, और नौजवानों में एक सोच, ये तो आप जो जैसे दोस्तों का जो आपने कायम की है, नौजवान समझ रहे हैं, ठीक है, आपने जो कायम की है कि कराची या पाकिस्तान के सब लोग नौजवान बराबर हैं, और अंजुमन नौजवान इस्लाम का नारा भी यही है, नारे इस्लाम जिए मुसलमान, हम सब मुसलमान, हम सब इंसान, और ख्वाह मुसलमान हो या गैर मुस्लिम भी हो, हम सब बराबर हैं, क्योंकि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने सबके हकूक बराबर रखे थे, कोई किसी भी मजहब का है उसको मुबारक हो, ऐसा ही बिल्कुल, हमको किसी की पर तनकीद का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं, इज्जत सबके लिए, इज्जत सबसे पहले। बहुत अच्छी बात आपने कही और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए पहले एक तो ये गलत फहमियाँ जो है ना हमें दूर कर लेनी चाहिए, जैसा भी मैंने एक बात की ना, हमारा ताल्लुक अब क्योंकि कराची से, लोग ये समझेंगे कि पता नहीं क्यों इस बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जाके देखिए, फैसलाबाद जाएं, लाहौर जाएं, पेशावर जाएं, हर जगह आपको पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग नजर आएंगे, तादाद थोड़ी कम होगी लेकिन है ज़रूर, सबकी सोच बड़ी अच्छी है, मामलात को सब बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ये गलतफहमी दूर करें, हमारे अपने शहर के लोग तो बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ता है, अब जाके जैसे उन लोगों की बात हो रही थी कि पढ़े लिखे लोग, वरना हाल ये है सड़कों के ऊपर जो कुछ मैं देखता हूँ, सोचने पे मजबूर होता हूँ, आप भी देखते होंगे रोजाना चलती गाड़ियों के अंदर से, माशाल्लाह बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, गाड़ी के अंदर से हाथ निकाल के सड़क के ऊपर कचरा डालना, ये लोगों का मिजाज है, आप मिजाज देखिए कि उम्मीद लगाकर बैठेंगे कोई आएगा और आकर हमारी हालत को सुधारेगा, ये सूरत हाल है, गलियों के अंदर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, ठीक है हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की, आपने अपनी जिम्मेदारी किस हद तक पूरी की? लोगों को अभी इन तमाम चीज़ों के बारे में इल्म ही नहीं है कि उनकी क्या माशरे की तरफ जिम्मेदारी है, ये भी बड़ा इल्मिया है, ये हुक्मरानों को बैठ कर कोसते ज़रूर हैं, हम भी सुबह से लेकर शाम तक कोस ही रहे हैं TV के ऊपर बैठ के, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी कब पूरी करेंगे, इसका तो ज़रा जवाब दीजिए यार। जो तालीम की रसीदें आपके पास मौजूद हैं, हम सबके पास ये रसीदें मौजूद हैं, जिससे पता चलता है इन रसीदों से कि हमने जी फीस भरी है, ये कागज़ का टुकड़ा है हमारे पास जिससे पता चलेगा कि हम सीख कर आए हैं, लेकिन तरबियत क्या है वो तो यहाँ पर नज़र आएगी, वो तरबियत नज़र आती है, आप जाएं किसी भी पार्किंग के अंदर जाकर देखें क्या खूबसूरत मंजर यहाँ पर होता है, 300 बाइक ऐसे खड़े हुए होते हैं, उनके पीछे और मोटरसाइकिल खड़े होते हैं, उसके पीछे लोग गाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं, और फिर जो उसके बाद होता है क्या नज़ारा होता है, आप जाके तो देखें तमाशे, आप शहर कराची के अंदर कभी निकल जाएँ, अगर आप साफ़ सुथरे होकर एक दफ़ा निकल जाएँ घर से, आप शाम में वापस आएँ फिर अपना हाल देखें, आप ये हमारा शहर है, इसको बनाने वाले हम लोग हैं, देखें तो सही क्या हो रहा है यहाँ पे। यासिर भाई कवानीन पाकिस्तान में जो कमजोरियाँ हैं और अमल ना होना, आपने जो बात करी, अगर मैं कवानीन की खिलाफ वर्जी करता हूँ या ट्रैफिक की एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर मैं बैरून मुल्क चले जाता हूँ, कानून के तहत बिल्कुल पाबंद हो जाता हूँ, और यहाँ एयरपोर्ट से आते ही दोबारा वही मामला कर लेता हूँ, बेसी है ये, बेसी अपने मुल्क में इतना अजीम मुल्क है, यानी प्रेशर हॉर्न दिए जा रहे हैं और रुकावट नहीं है, इखलाक से गिरी हुई हरकत, जितना निचला तबका है
उसको ऊपर वाला दबाता है, ऊपर वाले नीचे, यानी एक दूसरे का। हालांकि राइट्स तो मौजूद माशरे में ये है कि गाड़ी वाले के हुकूक कम है, मोटरसाइकिल वाले के ज़्यादा हैं, मोटरसाइकिल वाले के हुकूक कम है, साइकिल वाले के ज़्यादा हैं, साइकिल वाले के कम है, पैदल चलने वाले के। या फुटपाथ पे देख लें आप, मोटरसाइकिलें चल रही हैं। फुटपाथ पे कब्जे, माफिया। तो ये जो सूरतयाल सोशल मीडिया के तौर से ये मामला हमको हल करने थे, तो आज ये बदकिस्मती थे, सालों साल ज़ाया हुए। अभी 2.5-3 महीने थे, अब दोबारा इलेक्शन का सीज़न आ जाएगा, फिर दोबारा ये मामला होंगे। अवामी मसाइल कोई नहीं करेगा, बिल्कुल। कुछ भी नहीं करेगा, महंगाई के बारे देखिए, में कोई बात नहीं अवामी करेगा। मसाइल हल करने का पहले ज़रा ये समझ लीजिए कि अवामी मसाइल हल कैसे होंगे। अवामी मसाइल ऐसे हल होंगे, ख्याली है, मेरी अपनी ज़ाती राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बहुत सारी बातों पे मैं यकीनन मैं गलत हूँ। अवामी मसाइल हल ऐसे होते हैं कि जो शख्स जिसने पाकिस्तान का नहीं, शहर कराची की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ की बसें, क्योंकि अभी जैसे बात हो रही थी ना, जो कराची से बाहर हैं वो कभी आए यहाँ पर, यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको कहा जाता है, वहाँ पे भी वैगन होती है, पंजाब में चलती है वो, निस्बतन बेहतर ही है, और यहाँ पर जो बसें चलती हैं उसकी तस्वीर आप सोशल मीडिया पे देखते हैं। मैं इंशाल्लाह जल्द उसके ऊपर भी एक प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ, दिखाऊंगा आपको सूरत हाल। जब आप उसमें सफ़र करेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा, जिसने उस बस में सफ़र किया होगा वही इस चीज़ को समझ सकेगा कि मैं अगर कभी इकतदार में आ गया, पहले तो ये मुमकिन नहीं है कि बस में सफ़र करने वाला इकतदार में आ जाए, ये मिजाज नहीं है, ऐसे लोगों को नहीं लाया जाता, उसकी जगह कोई नहीं है। ज़ाहिर है कि वो 2-3 करोड़ रुपए कहाँ से खर्च करके पार्टी को फंड करेगा, टिकट लेगा, मुमकिन नहीं है। वो बस में सफ़र करने वाला जब, अगर कभी, ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं फिर ये बात दोहरा देता हूँ, अगर ऐवान में पहुँच गया और अगर उसके पास वजारत आ गई ट्रांसपोर्ट की, तो सबसे पहला काम क्या करेगा? वो कहेगा, मुझे याद है वो वक्त जब मैं इस बस में जाया करता था और उस वक्त मुझे बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था, मैं सबसे पहले इस बस के निज़ाम को तब्दील करूँगा, कि उसकी कोशिश होगी। लेकिन जो शख्स बड़ी बड़ी गाड़ियों में, SUVs में, गार्ड्स के साथ पीछे ऐसे करते हुए सड़कों से लोगों को हटाते हुए अगर पार्लियामान में आएंगे, उसको क्या पता इस बस में बैठना, उसका इंतज़ार करना क्या होता है, तो वो कैसे इन मामलों को ठीक करेगा? सोचे तो सही, ये आपका निज़ाम है टोटल जिससे आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। हाल ये है कि आपने अमरूद का दरख्त लगाया है और आप इंतज़ार में बैठे हैं इसमें से आम निकल आएंगे, ऐसा नहीं। ये निज़ाम कुदरत है, इसको खुदारा समझने की कोशिश करें, ये वही लोग हैं जिनको आप मुंतखब करके भेज रहे हैं। बहरहाल, कोशिश तो ये थी कि बातें और की जाएँ। खालिद नूर खान साहब के साथ बड़ा मज़ा आ रहा था। आखिर में अगर कोई पैगाम नौजवानों के लिए है तो दे डालें आज, प्लीज़। यासिर भाई, मैं नौजवानों को आपके तवज्जो से ये पैगाम दूंगा, खुदारा सुनी सुनाई बातों पर अमल ना करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पैगाम है। आप अलैहि सलाम की हदीस है कि मुसलमान को झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि किसी सुनी सुनाई बात पर अमल करें। इससे अच्छा पैगाम हो नहीं सकता। और सोशल मीडिया के तवज्जो से तनकीद भरा हिस्सा ज़रूर करें, लेकिन खुदारा अपने मुल्क के साथ ना खेलें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात और अपने एजुकेशन पे तवज्जो दें, और अपने वालिदैन की एहतराम करें, और मुल्क का नाम रोशन करें। जिस तरह आपने कहा कि आपने कल ओवरसीज के हवाले से एक प्रोग्राम किया था और हज़ारों की तादाद में लोग बाहर जाने को तैयार हैं, बिल्कुल ऐसा ही। तो आप जाएं, बिल्कुल मुल्क के सरमाए हैं आप, लेकिन मुल्क में कोई इंतशार और किसी की ज़ाती पसंद नापसंद में आप अपने आप को बहुत इन्वॉल्व ना अच्छी करें। बात है, वेरी बहुत गुड, बहुत शुक्रिया खालिद नूर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमारे मौजूद मेहमान खालिद नूर खान साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की है, बड़ा अच्छा पैगाम दिया है नौजवानों के लिए खास तौर पे। ब्रेक के लिए जाना होगा, ब्रेक के बाद जो आपकी सेहत के हवाले से सेगमेंट है वो जारी रहेगा। देखते रहें प्रोग्राम, गुड मॉर्निंग कराची।